अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं और आपके जीवन में कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, आप जीवन का उद्देश्य नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपका आज्ञा चक्र असंतुलित है या सक्रिय नहीं है। यदि आप अपने चक्रों को सक्रिय करना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज्ञा चक्र रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर छठी इंद्री के रूप में माना जाता है। आज्ञा चक्र धारणा, जागरूकता और आध्यात्मिक संचार से जुड़ा हुआ है। जब चेतना और ऊर्जा भू केंद्रों की ओर बढ़ती है तो वो क्रोध, जागरूकता या सतर्कता के रूप में प्रकट होती है। ज्ञान और जागरूकता छठे चक्र द्वारा प्रकट होते हैं और साथ ही ये क्रोध का स्थान भी है जब ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगे तो। ये स्पष्टता, एकाग्रता, कल्पना और अंतर्ज्ञान प्रदान करता है। अवरुद्ध होने पर या ऊर्जा के नीचे की ओर प्रवाह होने के दौरान आप पाएंगे कि आप क्रोधित, चिड़चिड़े और अत्यधिक आलोचनात्मक हो रहे हैं। शारीरिक रूप से यह आपको सरदर्द, आंख या दृष्टि संबंधी समस्याएं और भारीपन का अनुभव होगा। आज्ञा चक्र का प्रतीकात्मक तत्व प्रकाश से जुड़ा हुआ है। ये वर्षों के ध्यान अभ्यास के साथ विकसित होता है और उन्नत अभ्यास वाले लोग चेतना के उस स्थान को देखने में सक्षम होंगे जो हम में से कई लोग के लिए बहुत धुंधला और पहुंच से बाहर हो सकता है। व्यक्ति चीजों को बड़े परिपेक्ष से देख सकता है और अधिक आत्म चिंतनशील और आध्यात्मिक चिंतन में रहता है। गहरे नील कमल द्वारा दर्शाए गए आज्ञा चक्र के प्रतीकात्मक चित्र में दो पंखड़ियों वाला कमल है। वो सर्वोच्च बुद्धिमता और आध्यात्मिक ज्ञान की अवधारणा का समर्थन करता है और उस स्थान का प्रतीक है जो आज्ञा चक्र में जागृति प्राप्त करने के लिए साथ आता है। आज्ञा चक्र नील रंग से जुड़ा हुआ है जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। ये ज्ञान और आंतरिक ज्ञान का प्रतीक है जो संतुलित होने पर तीसरी आंख चक्र का अभिन्न अंग है। आज्ञा चक्र को कैसे संतुलित करें? अवरुद्ध या असंतुलित आज्ञा चक्र क्रोध, जलन, शत्रुतापूर्ण भावनाओं को ट्रिगर करता है। ऐसा तब होता है जब ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित करती है। सिरदर्द, दृष्टि संबंधी समस्याएं, तंत्रिका संबंधी समस्याएं और अधिक गंभीर मामलों में मानसिक संबंधी विकार होते हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति को आत्मसीमित विश्वास, उद्देश्य की कमी, तनाव, चिंता, अवसाद या मनोदशा संबंधी विकारों का सामना करना पड़ सकता है। सक्रिय और संतुलित होने पर जब ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो आज्ञा चक्र हमें अधिक जागरूकता और सतर्क बनाता है। बुद्धि स्वाभाविक रूप से आती है और साथ ही हमारे आसपास की हर चीज का व्यापक दृष्टिकोण भी। आत्मचिंतन और आध्यात्मिक चिंतन संभव है जो स्पष्टता और उद्देश्य प्रदान करता है। अंतर्ज्ञान मजबूत और बेहतर हो जाता है। विचार, उत्तर और समाधान आसानी से आते हैं। जब आप नियमित योग कक्षा में शामिल होते हैं तो आज्ञा चक्र को संरेखित, सक्रिय करना और संतुलित करने प्रभावी ढंग से होता है। एक अच्छा अनुभवी और प्रमाणित योग शिक्षक हमेशा सभी प्रकार के अभ्यासों को शामिल करेगा और जो प्रत्येक चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। यहां कुछ ऐसे ही प्रथाएं दी गई हैं जो आज्ञा चक्र को संतुलित करती है। आज्ञा चक्र को संतुलित करने में मदद करने वाले कुछ आसन हैं, जैसे पर्वतासन, शीर्षासन जिसे सभी आसनों का राजा भी कहा जाता है, शशांक आसन आदि। इसके अलावा त्राटक क्रिया और नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत सहायक है और ओम मंत्र पर ध्यान करने से आज्ञा चक्र को सक्रिय और संतुलित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। ओम नाम केवल बेहद आरामदायक और शांत है बल्कि ये आध्यात्मिक स्पष्टता और उद्देश्य भी प्रदान करता है। ओम का कंपन भी इतना तीव्र है कि आप तुरंत अपने मन के अंदर महसूस कर सकते हैं। यदि आप अपने सभी चक्रों को सक्रिय करना चाहते हैं और वो स्वप्न का जीवन जीना चाहते हैं जैसा आप हमेशा जीना चाहते हैं तो हमारे आगामी कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। असंतुलित चक्रों के कारण आपको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है उसके बारे में आप अपना नाम और संपर्क नंबर
ईमेल कर सकते हैं bhaskaryogacharya@gmail.com पर। इसे हम डिस्क्रिप्शन में भी शामिल कर देंगे। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।